जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों दिन पर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अब ITBP करीबन 10,000 सैनिकों वाली 7 नई बटालियन जुटाने की कोशिश कर रही है और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इससे ITBP के 90,000 सैनिकों की ताकत बढ़कर 1,00,000 हो गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर पहले ही विचार कर लिया था, लेकिन अभी भी कैबिनेट की मंजूरी का इसमें इंतजार है। सुरक्षा ग्रिड के सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए ITBP में 10,000 के करीब नए कर्मियों को शामिल किया जाना है। ITBP भारत और चीन के साथ तैनात, जो कि लद्दाख के काराकोरम से 3,488 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाचल प्रदेश में जयचेपला तक फैला हुआ है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP के हाथों में है। अधिक सैनिकों का शामिल होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत की सीमाओं पर किलेबंदी और मजबूत होगी। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि LAC पर जहां एक तरफ चीन अपनी मजबूती से सेना को खड़ा कर रहा है, ऐसे में भारत किसी भी तरीके से अपनी कमजोर किलेबंदी नहीं करेगा और ऐसे में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जाएगा। LAC की रक्षा करने वाली ताकतों के लिए असली चुनौती सर्दियों के खत्म होने के बाद और बर्फ के पिघलने के बाद चीनी घुसपैठ को रोकने की होगी। ITBP के अधिकारी ने बताया कि 10,000 कर्मियों को भर्ती करने की जो प्रक्रिया है उसमें करीबन 1 साल का समय लगेगा और इसके लिए बजट के आवंटन की आवश्यकता होती है। साथ ही भर्ती किए गए कांस्टेबलों को 44 से 46 सप्ताह के प्रशिक्षण की ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। भारत में मौजूद रूस के राजदूत ने कहा कि अमेरिकी खतरों से उन्हें किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और S-400 की जो आपूर्ति है वो तय समय पर भारत को होगी। इसके अलावा रूसी राजदूत ने इंडो पैसिफिक के लिए भारत के दृष्टिकोण का जोरदार समर्थन किया, लेकिन क्षेत्र की शांति और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि भारत चीन का संबंध भी ऐसे ही होना चाहिए, यानी कि उस लेवल पर पहुंचना चाहिए जिस तरीके से भारत और रूस के संबंधों का स्तर है। हालांकि उनसे पाकिस्तान के बारे में भी पूछा गया था कि पाकिस्तान के बीच आपका क्या सहयोग चल रहा है और ऐसे में कहीं ये भारत के लिए टेंशन तो नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इससे भारत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम केवल अपने दायित्व को निभा रहे हैं और जिसमें हम तीसरे देश की गोपनीयता को बरकरार रखते हैं। यानी इसके अलावा सुरक्षा संबंधों के बारे में उन्होंने बताया कि यदि KA-226 हेलीकॉप्टर्स और AK-203 राइफल प्रोडक्शन का निर्णय जल्दी हो जाता है तो वे जल्द से जल्द भारत में इन्हें बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें भारत और रूस के महत्वपूर्ण हित छिपे हुए हैं और रूस अगले साल एरो इंडिया 2021 में सबसे बड़ा प्रदर्शकों में से एक रहने वाला है। रूस ने कहा कि हम एरो इंडिया 2021 में अपने SU-57, SU-35 और MiG-35 प्लेन का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा KA-52, KA-226, MI-17B5, MI-26 हेलीकॉप्टर्स का भी हम प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा S-400 और बक सिस्टम का भी हमने प्रदर्शन करना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2020 के अंत में भारत का दौरा करने वाले थे, वे अगले साल भारत का दौरा करेंगे और ये दौरा जल्द से जल्द भी हो सकता है। हालांकि महामारी की वजह से दोनों देशों के बीच संपर्क को बनाए रखना कठिन हो गया था और इसकी वजह से आमने सामने की जो बैठकें थी वो प्रभावित हुई हैं, लेकिन रूस ने कहा कि रूस और भारतीय राजनीतिक और आर्थिक बातचीत तेज हुई, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई, भले ही वो वर्चुअल बैठकें क्यों न रही हो। 2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं जिनमें रक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक निवेश भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विज्ञान और तकनीकी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये तब तक अधूरा है जब तक इसका लाभ और इसकी पहुंच समाज के हर वर्ग तक संभव ना हो। उन्होंने कहा कि स्कूल में साइंस की ढांचागत व्यवस्था मजबूत हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले से ज्यादा बेहतर बनाए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में सुधार की कोशिश की जा रही है, देश के बेस्ट टैलेंट्स को अपनी पसंद के क्षेत्र में रिसर्च करने का मौका भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं के फायदे के लिए योजनाओं में बदलाव किया गया है, स्कूलों में साइंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से गरीब वर्ग का तबका भी सरकार के साथ जुड़ा है और भारत ग्लोबल हाईटेक क्रांति का केंद्र बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का सबसे विश्वसनीय साइंस सेंटर बनाने पर उनका ध्यान लगा हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन पर भी काम शुरू किया गया है। ये मिशन एक प्रकार से इंक्वायरी को, एंटरप्राइजेस को, इनोवेशन को सेलिब्रेट करता है। त्योहार, उत्सव और भारत की संस्कृति भी है और परंपरा भी, और आज हम विज्ञान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुर्की और चीन की दोस्ती भारत के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बना सकती है आने वाले समय में। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान की जुगलबंदी तो सबको मालूम है। पाकिस्तान को अब तक भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर चीन से मदद मिलती थी, लेकिन अब तुर्की से भी मिल रही है। अब भारत के लिए टेंशन बढ़ रही है।
क्योंकि तुर्की और चीन की दोस्ती बढ़ चुकी है। चीन और तुर्की के हित मध्य पूर्व में साझे हैं और इसीलिए भी ये करीबी बढ़ रही है, लेकिन इस जुगलबंदी में रूस भी शामिल है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि पश्चिम के देश भारत को चीन के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये है कि रूस नहीं चाहता कि चीन के खिलाफ कोई वैश्विक गोलाबंदी खड़ी हो सके और उसमें भारत हो। चीन और रूस पहले से ही करीब थे, लेकिन इस गठजोड़ में पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हो गए। पाकिस्तानी सेना के साथ रूस सैन्याभ्यास कर रहा है और वहाँ LNG पाइपलाइन भी बना रहा है। तुर्की और रूस के बीच सैन्य सहयोग लगातार भी बढ़ रहे हैं। चीन और तुर्की के बीच भी रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है, ऐसे में टेंशन होना तो लाजमी है। आपको बता दें कि तुर्की और चीन के बीच पहली ट्रेन भी चलने लगी है। ये मालगाड़ी तुर्की से सामान लेकर चीन पहुंचती है। इसे भी दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक कदम करार दिया जा रहा है। ये ट्रेन 4 दिसंबर को इस्तांबुल से चली थी और जॉर्जिया, अजरबैजान, कैस्पियन सागर और कजाकिस्तान से गुजरते हुए कुल 8,693 किलोमीटर की दूरी तय करके चीन के शियान शहर पहुंची। पश्चिम एशिया और यूरोप में चीन की पैठ बनाने की चाहत एर्दोगन के लिए लाइफलाइन की तरह बनकर आई है। चीन और तुर्की के बीच बढ़ता सहयोग इसका सबूत है। साल 2016 से लेकर अब तक दोनों देशों ने करीब 10 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें स्वास्थ्य से लेकर परमाणु ऊर्जा से जुड़े समझौते शामिल हैं। रूस के बाद चीन तुर्की से सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है। चीन ने साल 2016 से लेकर 2019 के बीच तुर्की में केवल $3 अरब का निवेश किया है और अगले साल तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। यही नहीं, चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से तुर्की को फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजिंग को इस परियोजना के तहत भूमध्य सागर में पैर जमाने का मौका मिल रहा है। तुर्की ने चीन की मदद से पूर्वी इलाके में कॉर्स से लेकर तबलीसी, जॉर्जिया और अजरबैजान होते हुए कैस्पियन सागर तक एक रेल रोड का निर्माण किया है। चीन ने तुर्की में BRI परियोजना में करीबन $5 अरब का निवेश करने का वादा भी किया है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है अब, जिसमें कि अब तुर्की और चीन भी शामिल हो चुके हैं और ऐसे में भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और इस तरीके की बॉन्डिंग को तोड़ना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए भारत को लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ और ज्यादा मजबूत संबंध बनाने होंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ने इस बारे में जानकारी दी और भारत के राजदूत तरनजीत संधु ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस पदक को स्वीकारा। पाकिस्तानी वायुसेना के साथ चल रहे अपने संयुक्त युद्ध अभ्यास का चीन ने बचाव किया है। चीन का कहना है कि यह युद्ध अभ्यास किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और भारत को इसे निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में पाकिस्तानी और चीनी वायुसेना संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है। दिसंबर के दूसरे महीने में शुरू हुआ शाहीन 9 नामक युद्ध अभ्यास इस महीने के आखिरी तक चलेगा। चीन के रक्षा मंत्री वैंग फेई के हाल के पाकिस्तानी दौरे के बाद ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह जिसका नाम CMS-01 है, जिसे 17 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, वो सोमवार को अपने ऑर्बिटल होम यानी कि कक्षीय घर में पहुंच गया है और इस बारे में इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है। ये उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में पेलोड इन ऑर्बिट परीक्षण के पूरा होने के बाद संचार सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। CMS-01 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया संचार उपग्रह है, जिसकी कवरेज में भारत की मुख्य भूमि, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साथ ही दोस्तों, आप में से जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।